क्या हुआ है? अभी बच्चे का पूरा हाथ काट दिए हैं 27 तारीख को, 27 तारीख को रात में, समझ लो गुरुवार, गुरुवार को पूरा पूरा कंधे से हाथ पूरा काट दिए हैं। इसके इसके लिए मैं डॉक्टर को, प्लास्टर वाले को जिम्मेदार मानता हूँ, या कलवा हॉस्पिटल वालों को ही जिम्मेदार मानता हूँ। कलवा अस्पताल के डॉक्टर पर लगा लापरवाही का आरोप, बच्चे ने खोया अपना हाथ। कलवा के इंटर्न डॉक्टर की लापरवाही की वजह से 12 साल के बच्चे को अपना हाथ गंवाना पड़ा है। भिवंडी में क्रिकेट खेलने के दौरान कैच पकड़ने गए 12 साल के आयुष शर्मा की हाथ की हड्डी टूट जाती है, जिसके बाद पिता राकेश शर्मा फौरन बच्चे को नजदीकी अस्पताल में दिखाते हैं, जहां से बच्चे को कलवा अस्पताल रेफर किया जाता है। आयुष के पिता राकेश शर्मा का आरोप है कि कलवा अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनके बेटे को अपना हाथ खोना पड़ा है। इस मामले में राकेश शर्मा ने मनसे शहर अध्यक्ष रविंद्र मोरे की मदद से ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर अभिजीत बांगर के पास पहुंचकर न्याय की मांग की है। ये घटना भिवंडी में 24 दिसंबर की रोज घटी थी। एक महीने तक दरबदर भटकने के बाद आखिरकार आयुष के पिता ने ठाणे मनसे अध्यक्ष से मुलाकात कर न्याय की अपील की है। मेरे बच्चे को, मैं भिवंडी में रहता हूँ और 24 दिसंबर संडे को मेरे बच्चे को खेलते समय मैदान में वो गिर गया, बॉल पकड़ने जा रहा था तो उसका दो हड्डी टूट गया और यहाँ कलाई में थोड़ा सा जख्म हो गया, लोखन चुभा या कांडी चुभी वो मेरे को नहीं मालूम है। मैं उधर ले गया भिवंडी में, एक्सरे कराया, एक्सरे करा के तो सब लोग बोलने लगे थोड़ा ही लगा है, आप हाथ डायरेक्ट शिवाजी वहाँ चले जाओ, शिवाजी हॉस्पिटल। मैं बोला ठीक है, शिवाजी हॉस्पिटल आया मैं शाम लगभग 4:30-4 के बीच में आया तो डॉक्टर को मैं अपना एक्सरे दिखाया, एक्सरे देखा डॉक्टर, उसके बाद में बोला साथ में आइए, साथ में गया। उधर प्लास्टर रूम में दो जन मिल के प्लास्टर चढ़ाए, प्लास्टर चढ़ाए तो मैं बोला सर यहाँ पे जख्म है उसको, तो कापूस लेके वापस जख्म जो है पोंछ के सेक दिए, बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट शनिवार को आ जाना। तो प्लास्टर चढ़ा दिए तो मैं 5:45 बजे अपने रूम पे जा रहा था, 7 बजे रूम पे पहुंचा। संडे को, संडे बीता, मंडे बीता, ट्यूजडे को शाम को पूरा उसका मैं गाड़ी लेके आया, शाम को देखा उसका पूरा नाखून पूरा काला हो गया। वो तो आजू बाजू में पूछा तो बोले भाई इसको पॉइजन हो रहा है, मैं बोला अभी रात हो गई है, 9 बज रहा है, 9:30, मैं क्या करूँगा। तो सुबह में पुनः बुधवार को सुबह मैं फिर कलवा आया, आते ही गैलरी में मेरे को वही डॉक्टर जो एक्सरे देखे थे हमारा वो मिले। उसके बाद मैं उनको बोला सर ऐसा ऐसा है, तो बोले प्लास्टर रूम में आप आइए, मैं बोला ठीक है। प्लास्टर रूम में 9:30 बजे आए प्लास्टर करने वाले, उसके बाद प्लास्टर काटा, प्लास्टर वो काटे, उसके बाद में जख्म देख के वो भी घबरा गए, वो अपने बड़े सर के पास ले गए, बड़े सर देखे उसके बाद में मेरे को चिल्लाने लगे। मैं बोला सर आप मेरे को क्यों चिल्ला रहे हो, मेरे को क्या मालूम है उसमें, हम डॉक्टर थोड़ी हैं। तो बोले तुमको पहले लेके आना चाहिए, मैं बोला सर मैं तो जल्दी लेके आया हूँ, उनका ये तो शनिवार को मेरे को बोले थे कि शनिवार को लेके आना, मैं पक्का प्लास्टर करूँगा। तो उसके बाद में बच्चे को लिए 2-4 डॉक्टर आपस में बातचीत किए, उसके बाद रूम में लेके गए, वहाँ क्या ट्रीटमेंट किए क्या नहीं, ECG वगैरह क्या लगाए वो मेरे को नहीं मालूम है। उसके बाद में निकले, बोलते आपको साइन जाना पड़ेगा, मैं बोला ठीक है सर साइन जाना पड़ेगा, नहीं बोले कुछ नहीं है आप साइन जाओगे ठीक हो जाएगा, मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद अभी क्या हालत हुई है बच्चे की, क्या हुआ? अभी बच्चे का पूरा हाथ काट दिए हैं 27 तारीख को, 27 तारीख को रात में, समझ लो गुरुवार, गुरुवार को पूरा कंधे से हाथ पूरा काट दिए हैं। इसके लिए मैं डॉक्टर को, प्लास्टर वाले को जिम्मेदार मानता हूँ, या कलवा हॉस्पिटल वालों को ही जिम्मेदार मानता हूँ। बच्चे का नाम आयुष शर्मा है, बच्चे की उम्र 12 साल है, फोर्थ क्लास में पढ़ रहा है, एक ग्लोरी इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ रहा है, नई बस्ती भिवंडी। हमारी मांग है कि हमारे बच्चों को न्याय दिया जाए। किस प्रकार का न्याय आप अपेक्षित करते हैं? उसको अब एक हाथ है वो एक हाथ से कुछ कर नहीं पाएगा, उसके लिए नौकरी वगैरह हमको चाहिए।
डॉक्टर पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे बच्चे का पूरा भविष्य खराब हो गया, अभी उसके खेलने का नहीं की उम्र था, अब एक हाथ लेके वो कहाँ, वो भी दाहिना हाथ है सर, एक हाथ लेके वो बाएं हाथ कहाँ जाएगा, किसे भीख मांगेगा। इसके लिए हमको न्याय चाहिए हमारे बच्चे को। सकाळी मंच ऑफिसमध्ये 11 वाजता हे राकेश शर्मा आले, यांनी मला त्या मुलाचे फोटो दाखवले की माझा मुलगा 24 तारखेला असं असं झालं। आणखीन या हलगर्जी, या डॉक्टरांच्या कळवा हॉस्पिटलच्या हलगर्जीपणामुळे माझ्या मुलाचा हात गमावला। तर आम्ही लगेच तिकडे चौकशी केली तर बोललो तिथे काय आता काय नाही, आपल्याला न्याय मिळणार नाही, म्हणून आम्ही सन्माननीय आयुक्त साहेबांची आता भेट घेतली बांगर साहेब, त्यांच्याजवळ मी आता बोललो की बोललो नुसतं कारवाई नाही, ह्यांना अशी शिक्षा घडवा ना, एक 8-12 वर्षाचा मुलगा, एक छोटी जखम ह्यांनी नाही केल्या, जखम न बघितल्या नामुळे त्या पोराचा हात गमावा लागला, एवढ्या लहान मुलांनी करायचं काय, तर त्याचं जरा ॲक्शन तुम्ही घ्यात। पण त्याच्या अपरोक्ष जे अधिकारी वर्ग आहेत तिथे या कळवा हॉस्पिटलमध्ये, त्यांच्याकडे बघा हे काय चाललं नक्की हॉस्पिटलमध्ये, आणि ह्या मुलाचा शिक्षणाचा पुढचा खर्च वगैरे हा नगरपालिकेने करावा, त्याचं पुढचं आयुष्य काहीतरी नगरपालिकेने करायला पाहिजे ना, एवढं लहान पोर जाणार का, कुठे जाणार ते, त्याचं आयुष्य तर खराब झालं आहे। तर बांगर साहेबांनी आता जे जे हॉस्पिटलच्या माध्यमातून इन्व्हेस्टिगेशन लावली आहे ते मला बोलले एक 1 आठवड्यानंतर त्यांच्यानी पुन्हा मीटिंग होणार आहे, त्याला बघू या मुलाच्या बाबतीत काय ते करतात ते। पुढचं पाऊल आता मनसेचं काय असतं ते कळत, त्यात आता कोण डॉक्टर आहे त्याचं आता आम्हाला नाव वगैरे पण माहीत नाही आहे, आम्ही आमच्या परीने पण बघणार कोण डॉक्टर आहे तो आणि नगरपालिका। 2 दिवस त्याला झालेली जखम ह्यांनी ती साफ केली नाही, त्यांनी फक्त डायरेक्ट प्लॅस्टर केलं, हड्डी इथे तुटली होती आणि पूर्ण प्लॅस्टर, आणि त्याच्यामुळे त्यांनी नाही थिकनेसचं इंजेक्शन दिलं का नाही, 2 दिवसांमध्ये एवढं ते हे झालं, पॉइझन झालं की त्या मुलाचा हात कट करावा लागला।